finally इतनी drastic गर्मी के बाद आया है मॉनसून का सीजन जो कि हम सब के लिए ठंडक और राहत लेकर आया है। मैं तो अपने चाय और पकौड़े खूब एंजॉय कर रही हूँ। और आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वेदा कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसपे आज हम बात करने वाले हैं हरी सब्जियां और मॉनसून। क्या कनेक्शन है? क्या हमें मॉनसून में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस है, या फिर हमें मॉनसून्स में, पर्टिकुलरली मॉनसून्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए अगर हम स्टमक इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिन्हें हम कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सॉइल के बिल्कुल पास होती है, चाहे वो पालक हो, चाहे मेथी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, फॉर दैट मैटर इवन ब्रोकली और फूल गोभी, ये सब सॉइल के एकदम पास उगती हैं और इन पर लगातार मिट्टी और पानी दोनों पड़ते रहते हैं। नॉर्मली हर मौसम के लिए ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि सन रेज डायरेक्टली इन सब्जियों पर पड़कर उन्हें लगातार स्टेरिलाइज करती रहती है और उनका ह्यूमिडिटी का कंटेंट भी लो रखती है, उनका मॉइस्चर कंटेंट भी लो रखती है। पर जब मानसून का मौसम आता है तो हम सभी जानते हैं कि सनरेज इतनी स्ट्रॉन्गली नहीं पड़ती जिसकी वजह से वेजिटेबल्स लगातार एक डैम्प माइक्रो एनवायरनमेंट में रहती है। इसके बाद जब इन वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये लोकल वेंडर्स या दुकानों पे जब हम इन्हें प्रोक्योर कर पाते हैं तो उस समय भी इनके अंदर ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ही ज्यादा रहता है और चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही कंड्यूसिव है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों, यदि हम इन वेजिटेबल्स को साल के इस सीजन में खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम माइक्रोब से कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स खा रहे हो जो कि हमें स्टमक इन्फेक्शंस और भी कई तरह की बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। तो ऑल्दो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाईली रिकमेंडेड है, साल के बाकी सीजंस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप मॉनसून्स के टाइम अवॉइड कीजिए। तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड अब किस तरह से पूरी करेंगे? आप ऐसी सब्जियां खाएं जो कि जमीन से काफी ऊपर उगती हैं, जैसे लौकी, तोरी, करेला, और इनसे अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा कीजिए। और अगर आपके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है, आप उन्हें खाए बिना नहीं रहना चाहते, तो दो बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली ये कि आप उन्हें रेस्टोरेंट में कभी मत खाइए क्योंकि आप अपने घर में जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रिक्ट अडियरेंस एंड मॉनिटरिंग रख सकते हैं कि उनकी लेवल ऑफ क्लीनलीनेस बहुत अच्छी हो, पर यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो इस बात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरी बात, अगर आप घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके धोने की विधि पर विशेष ध्यान दें। आप एक एक पत्ते को अलग कर लें और उसके बाद आप नमक के पानी में 15 मिनट तक, नमक के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में इन सब्जियों को भिगो कर रखें। 15 मिनट भिगोने से इनका माइक्रोबियल कंटेंट काफी कम हो जाएगा और फिर आप उन्हें रनिंग वाटर के अंदर वॉश कर सकते हैं और फिर पीने के पानी से धोकर तभी इस्तेमाल करें। ऑल्टरनेटिवली आप एक पार्ट विनेगर और चार पार्ट वाटर लेकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, डाइल्यूटेड विनेगर सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिसमें आप फिर से एक एक पत्ते को अलग करके डिप करके 15 मिनट के लिए अपनी वेजिटेबल्स को सोक कर सकते हैं और इसके बाद रनिंग वाटर में वॉश करके ड्रिंकिंग वाटर से वॉश करकर फिर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मानसून में धोते समय इसीलिए ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इन वेजिटेबल्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि पत्ते लेयर आफ्टर लेयर या तो चिपके हुए होते हैं या फिर बंच में एक साथ ग्रो करते हैं, क्लस्टर्ड। तो इनकी सफाई अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा जाए, जो कि एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हमें इन्फेक्शन के लिए और भी कई तरह की बीमारियों के लिए प्रीडिस्पोज करती है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट, हम मॉनसून्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इनटेक अवॉइड करें और उसकी बजाय ऐसी सब्जियां खाएं जो कि ग्राउंड से काफी ऊपर उगती हैं। यदि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी ही है तो उस स्थिति में हम रेस्टोरेंट्स में उन्हें बिल्कुल कंज्यूम ना करें क्योंकि हमारा कोई वश नहीं है कि वो कितने अच्छे से क्लीन की जाती है।
तीसरी और आखिरी बात कि यदि हम घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बना रहे हो तो हम उनके धोने पर विशेष ध्यान दें, पत्तियों को अलग अलग कर लें, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूटेड विनेगर सॉल्यूशन में 15 मिनट सोक करने के बाद अच्छी तरह से धोने के बाद ही उन्हें कुक करें, क्योंकि अगर हम मानसून में सेहतमंद नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मानसून थोड़े बदमजा तो हो ही जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मानसून खूब एंजॉय कर पाएंगे। जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने मॉनसून्स का मजा अच्छी सेहत रखते हुए उठा पाए। दोस्तों इस चैनल पर मैं वीकली कंटेंट लेकर आती हूँ जिससे कि समझना और इम्प्लीमेंट करना दोनों ही बहुत आसान है। तो इस चैनल के बारे में वर्ड स्प्रेड करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इन्फॉर्म करें कि ऐसा एक चैनल एग्जिस्ट करता है जो कि उन्हें उनका हेल्दियर सेल्फ बना सकता है। तो इसी नोट पे फ्रेंड्स, बाय बाय एंड सी यू सून।